सत श्री अकाल पी बी बत्ती नवां शहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी। साथियों, कल असी एक खबर चलाई सी पी बी बत्ती नवां शहर चैनल पर कि सालों पिंड के जोड़े लंबड़दार आ उन्होंने सवेरे 6:30 बजे के करीब 3 अनपछाते व्यक्ति जोड़े आ मोटरसाइकिल आते जिन्हों का मूँह बनया हों हमला कर देंगे वह माड़ी नीत न आदि कि उन्होंने लुट खोह करनी है, पर बजुर्ग अपनी समझदारी अपनी चंकी किस्मत करके अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन उत्थे एक हैरानीजनक चीज़ होंगी है कि जोड़े माड़े अंसर आए होंगे इन्ह का मोटरसाइकिल जोड़ा हों चेन उतर जाती है तो अपना मोटरसाइकिल छड़ के अपने हथियार छड़ के उत्थों फरार हो जाते हैं। 4-4 फुट के इनको हथियार सन, कृपाना सन, दात सन, जिद लोगों हमला करते लोगों अपना निशाना बनाते। अमन कानून की स्थिति के बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन SSP डॉक्टर महताब सिंह विरक और DSP राज कुमार उन्होंने अगवाई हेठ पुलिस बेहतरीन काम करती है। जो पुलिस को दरखास्त पहुँचती है पुलिस तुरंत एक्शन करती है और जोड़े ये 3 माड़े अंसर आ उन्होंने दबोच लिया जाता, चंद ही घंटे च दबोच लिया जाता। इस तो पहला कि इन्हों का खौफ बधे इन्हों जरा फड़ लिया जाता और हुण अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलनी है चंद ही मिनटों में, जिथे DSP राज कुमार मीडिया के मुखातिब हो गए और असं उन्होंने तो जानना कि कल के दिन में ही इन्होंने कितनियां वारदातें की हैं, इन्हों किवें पुलिस वालों दबोचा गया। माननयोग SSP डॉक्टर महताब सिंह जी IPS उन्होंने दिशा निर्देशों से जी माड़े अंसर के खिलाफ जिला पुलिस वालों मुहिम छिड़ी गई है, वो थाना औड़ पुलिस को उस वेले बड़ी सफलता मिली जदों कल इन्हां दे कोल एक कंप्लेंट आई सी कि सवेरे सवेरे 3 मोटरसाइकिल सवार ने एक व्यक्ति जिहदा नाम बलवीर सिंह है सालों का रहने वाला है उहदे नाल अटैम्प्ट कीती सी स्नैचिंग दी। इन्हां ने तुरंत उत्ते कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और जिहड़े इस वारदात शामिल सीगे 3 मोटरसाइकिल सवार जिन्हां दे कोल कृपाना सी उन्होंने उत्ते कृपाना नाल वार किया सी और उत्तों पैसे खोण की कोशिश की सी उहदे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करके इन्हां तिन्नां नूं जिहड़ा हैगा वह गिरफ़्तार कर लिया। वारदात वरतियां हुई तलवारां मोटरसाइकिल और एक वारदात उन्होंने होर अंजाम दित्ती सी जिहदे विच एक दिन पहला 700 रुपया एक व्यक्ति तो खोया सी उहदे रिगार्डिंग भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उहदे कोलों खोए हुए 700 रुपए जिहड़े हैगे आ उह भी इन्हां तों बरामद कर लिया गया। इस तों इलावा इन्हां तिन्नां व्यक्तियों ने थाना सिटी नवांशहर के एरिए करियाम रोड से एक व्यक्ति दे नाल खो कीती सी, इस संबंधी भी थाना सिटी नवांशहर च मुकदमा दर्ज है। सो वो जिहड़ा हैगा वह भी मुकदमा साडा ट्रेस हो गया। सो 3 साडियां जिहड़ियां रजिस्टर्ड वारदातां इन्हां तिन्नां मुंडियां ने मोटरसाइकिल ते सवार हो के कीतियां सीगियां वो ट्रेस हो गईयां। इस तों इलावा भी इन्हां ने मुकंदपुर और सदर बंगा इस एरिए दे विच कुछ वारदातां कीतियां उहदे बारे भी असीं पुछगिछ कर रहे हैं और अज इन्हां नूं असीं कोर्ट च पेश करके इन्हां दा पुलिस रिमांड लवांगे और सानूं होर जिहड़ियां कीतियां वारदातां उहनां बारे भी इन्हां तों खुलासे होण दी उम्मीद है। हाले कोई मामले दर्ज नहीं आते इन्हां ते, पहलां कोई मामला दर्ज नहीं है। इन्हां च एक व्यक्ति दा नाम सरबजीत है, यह गढ़पधाने दा रहण वाला है, दूजा मलकीत राम है, यह गुणा चौड़ दा रहण वाला है, तीजा बच्चा जिहड़ा हैगा उहदी उम्र 16 साल है, वह भी इन्हां दे नाल मिलके यह सारा काम कर रहा सी। सो नवालक करके असी उन्हों उस ढंग का ट्रीटमेंट दे रहे। मोटरसाइकिल सर इन्हां दा अपना कि चोरी दा सी? नहीं, मोटरसाइकिल इन्हां दा अपना है। कदों तक कर रहे सर घटना कर रहे? ये पिछले हफ्ते तो ज़्यादा एक्टिव होए हुए सीगे और इन्होंने एक ही दिन के 4-5 वारदातें की। आपस च दोस्त है एक दूजे इन्हां दा माड़ी संगत करके आपस में तालुकात है वो करके इकट्ठे। सर जो बलवीर सिंह कल उन्होंने वीडियो एक गल स्पष्ट की कहते सालों वेखे जो चिट्टा है शरेआम निकल रहा है उसते हम की कार्रवाई की जाएगी? जो बलबीर हैगा कौन जिहड़ा इहदा जिहड़ा पीड़ित है? देखो जिहड़ा नशे की गल हैगी है उहदे संबंध च पुलिस जिहड़ी हैगी है साडे इत्थे तकरीबन हर रोज़ नहीं तो एक दिन छड्ड के हर थाने च परचे दर्ज हो रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। सो उहदे संबंध च इस तरह दी कंप्लेंट्स असीं नहीं कहिंदे भी नहीं आनियां, आउंदियां जदों आउंदियां तां असीं तुरंत उत्ते कार्रवाई करदे, जे सालों इस तरह की कोई उन्होंने गल की है तां उत्ते भी कार्रवाई करांगे। इस तों इलावा थाणा औड़ वल्लों कल स्पैशल नाकाबंदी दौरान एक जिहड़ा हैगा चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया, उहदे विच मुकदमा जिहड़ा हैगा 85 नंबर दर्ज किया है और यह तो मोटरसाइकिल भी चोरी का बरामद हो गया और इस दोषी नूं भी गिरफ़्तार किया गया। सो कुल 4 दोषी जिहड़े हैगे थाणा औड़ वल्लों कल गिरफ़्तार किए गए।
ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ 5:30 ਤੀਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਜੀ ਔਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੀ ਦੋ ਆ ਦੋ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ 22 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ 23 ਨੂੰ ਹੋਈ